बरेली के थाना भूता के गांव भवनपुर नियामतुल्ला निवासी स्वर्गीय सैफ शरीफ के घर में खपड़ैल पड़ी है। रात को परिवार बाले सोने लगे, तभी बरसात में अचानक खपड़ैल गिर गई, जिसमें सैफ रजा, रवीना, तकदीर हुसैन, आमीन, हलीमा, मुन्नी, 6 लोग दब गए। सैफ रजा और रवीना की चोट गंभीर आई है, घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। शकील, क्या हुआ था? अरे सर, रात बारिश के कारण मकान गिर गया था और हम रहने वाले भगनपुर नियामतुल्ला के हैं। इलाज करा था, 4-6-7 दिन थे अंदर। मम्मी थी, भाई था, भाभी थी, बच्चे थे। भाई के 3 लड़के थे, तो 3 का नाम, एक का सैफ रजा, एक का आमीन, एक का शकीकुल। पिता का नाम शरीफ रजा, अम्मी का नाम मुन्नी और हमारी अम्मी का नाम हलीमा खातून। ये इनके साथ में हादसा हुआ था रात 10-11 बजे के बीच में। अचानक में बरसात के कारण गिर गई थी सर। खपड़ैल गिरी क्या गिरा? नहीं, जैसे ईंट का तो मकान ही था, मगर खपड़ैल उसके ऊपर था, उससे गिर गया सारा। 10-11 ये दो जने, रवीना के, सैफ रजा के चोट लगी है। और रवीना किसके लगी है? ये बाकी आमीन के लगी थी और शकीपल के लगी थी। सबसे ज़्यादा ये रवीना की लगी थी सर। और लड़का? लड़का सैफ रजा। कहाँ के रहने वाले हो? भगनपुर नियामतुल्ला। थाना? थाना भता। क्या करते हैं? कुछ नहीं सर, मजदूरा हैं, विकलांग हैं हम। हमारे पिताजी ख़त्म हो गए, माँ हमारी विधवा है, हमारे पास कुछ है नहीं, गरीबी हालात हैं। और कुछ अगर सही होते घर तो घर मकान ही क्यों गिर जाता, अच्छा मकान होता हमारा ये। और हम विकलांग हैं, हमारे पिताजी इस पार हो गए। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।